The Dawn Express, Aina Sashka. मैं जगदीश तिवारी, द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप स्वस्थ व सुखी होंगे। भगवान शिव के 11वें अवतार हनुमान जी के जन्म दिवस के अवसर पर हनुमान जयंती मनाया जाता है। इस साल हनुमान जयंती आज बुधवार को मनाई जा रही है। इस खास मौके पर देश भर में भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना की जाती है। शास्त्रों के मुताबिक चैत्र माह की पूर्णिमा के अवसर पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जयंती के दिन उनके भक्त विशेष रूप से उनकी पूजा उपासना करते हैं और सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान श्री राम और हनुमान का नाता अटूट है। भक्तों के कष्ट हरने वाले संकट मोचन मारुति नंदन हनुमान की महिमा निराली है। अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उनके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। हनुमान जयंती पर लोग बड़ी आस्था के साथ भगवान हनुमान की पूजा करते हैं। इस दिन आप भी हनुमान जी की विशेष पूजा अर्चना कर सकते हैं। कुछ विशेष उपाय से आप भगवान हनुमान की कृपा पा सकते हैं। पहला उपाय, हनुमान जयंती की कोशिश करें कि घर में पारद एक प्रकार के धातु से बनी हुई हनुमान की प्रतिमा को स्थापित करें। तंत्र शास्त्र के अनुसार इससे सभी बिगड़े काम बन जाते हैं, साथ ही आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। दूसरा उपाय, हनुमान जयंती के दिन श्री राम और हनुमान जी की प्रतिमा के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद वहीं भगवान श्री राम की प्रतिमा के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप चाहें तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इस उपाय से आपको भगवान राम की कृपा मिलेगी। तीसरा उपाय, हनुमान जयंती के दिन कोई भी पेड़ का एक पत्ता तोड़ें, इसे पानी से अच्छी तरह साफ कर लें। इसके बाद इस पत्ते को कुछ देर के लिए हनुमान जी की प्रतिमा के सामने रखें। इसे साल भर अपने पर्स में रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके पास सदैव पैसों की किल्लत नहीं होगी। भक्तों के कष्ट हरने वाले संकट मोचन हनुमान की जयंती का दिन लोग बड़ी आस्था के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग हनुमान जी का साथ ही अपने घरों में अखंड पाठ का आयोजन भी करते हैं। हनुमान जी को कलयुग का जागृत देवता कहा जाता है। इस साल हनुमान जयंती के दिन आकाश में गुलाबी रंग का चांद दिखाई देगा। ये संयोग सालों बाद बन रहा है, जिसे आप अपनी आँखों से देख पाएंगे। वहीं दूसरी ओर ब्राज़ील व अमेरिका के राष्ट्रपति बोल्सोनारो व डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना भगवान हनुमान से की और भेजी गई दवा हाइड्रोक्सीक्लोरीन को संजीवनी बूटी बताया। ब्राज़ील व अमेरिका में मोदी का गुणगान हो रहा है, वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी को महान कहा है। वहीं दूसरी ओर 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के योद्धा मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही ने अपने कार्यालय में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्रोही ने कहा कि 19 जुलाई 1827 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे मंगल पांडे ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही की नौकरी प्रारंभ की और 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर कोलकाता में गाय सुअर की चर्बियों से बने कारतूसों के विरोध में सिपाही विद्रोह करके हिंदू मुस्लिम सिपाहियों के साथ 29 मार्च 1857 को दो अंग्रेज अफसरों को मौत के घाट उतारा। विद्रोही ने कहा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की यह पहली चिंगारी थी जो मंगल पांडे ने लगाई, जो बाद में पूरे देश में आग बन गई। इस आग ने ही 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का रूप लिया। अंग्रेजी हुकूमत ने 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम योद्धा मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। 1857 स्वतंत्रता संग्राम की नींव रखने वाले इस अमर योद्धा को सत सत नमन। धन्यवाद।